हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी लड़कियां मेकअप करती हैं तो आंखों के मेकअप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है आईलाइनर को। फिर चाहे हम इसे अपनी पलकों के ऊपर लगाएं या फिर काजल वाले हिस्से पर हम काजल की बजाय आईलाइनर लगाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं आईलाइनर लगाने के भी काफी तरीके होते हैं। कई लड़कियाँ आईलाइनर लगाने में उतनी एक्सपर्ट नहीं हो पाती हैं जितना कि वो चाहती हैं, और दूसरों के आईलाइनर देखकर उनके मन में हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि हम ऐसा आईलाइनर कब लगा पाएंगी। अगर आपको भी आईलाइनर लगाने का शौक है और आप उतनी ज्यादा अच्छी आईलाइनर आर्टिस्ट नहीं हैं जितना कि आप बनना चाहते, तो आप गीले आईलाइनर की बजाय सूखे आईलाइनर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये पेंसिल के फॉर्म में आता है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और इसका इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान होता है। आप अपने डिजायर लेंथ के अकॉर्डिंग या फिर अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकती हैं, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप इसे ईयरबड से आसानी से करेक्ट कर सकती हैं। सो दोस्तों, अगर आईलाइनर लगाना है तो आप पेंसिल आईलाइनर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा मार्केट में कई ऐसे आईलाइनर भी आ गए हैं जो कि पेन के फॉर्म में है, जिनके साथ ब्रश नहीं होता है, वो पेंसिल के ही आकार में होते हैं लेकिन वो जेल से भरे होते हैं। इसीलिए अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके उन्हें लगाना चाहें तो वो भी कैरी कर सकती हैं। अपनी आंखों के डिजाइन के अकॉर्डिंग और अपनी डिजायर लेंथ के अकॉर्डिंग ही आप आईलाइनर लगाएं। अगर आपकी आंखें बहुत ज्यादा छोटी है तो बहुत ज्यादा लंबा आईलाइनर ना लगाएं। ऐसा करने से आंखें काफी ज्यादा भद्दी दिखाई देती है। और अगर आप आईलाइनर लगाने में उतनी केपेबल नहीं है तो आप किसी ब्यूटिशियन की सहायता भी ले सकती हैं और अपनी आंखों के बारे में सही तरीके से पता लगा सकती हैं कि आपकी आंखों पर किस तरीके का लाइनर सबसे ज्यादा सूट करेगा। सो दोस्तों, लाइनर लगाने से पहले इन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.